I'm live. What's up, everybody? Hi, hello, good morning. Hi. कैसे आप सब? How you all? Finally, the day is here. हम आ गए हैं स्टूडियो में, गाना रिलीज करने के लिए रेडी हैं. हमारे साथ आज पहली बार लाइव में देखेंगे अनमोल भाई. कैसे हैं? How are you भाई? एकदम बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया. Excited? बहुत ज़्यादा. Finally mix पर नहीं बैठे, लाइव में बैठे हैं, है ना? आज मजा आ रहा है, रिलैक्स होके बैठे हैं. बहुत ज्यादा हम लोगों ने फन किया है. ध्रुवल थैंक यू, सुष्मिता राज थैंक यू एवरीबॉडी. कल रात से मैं देख रहा हूँ आप सब मुझे हर जगह विश कर रहे हैं. थैंक यू फॉर ऑल योर विशेस. सुरभि हाय, आई एम गोइंग टू टेक यू इन द लाइव इन अ वाइल. सो गाइस, फाइनली सुपर हैप्पी. पिछले 10 से 11 दिनों से आई वाज नॉट एबल टू स्लीप और इतनी नर्वसनेस थी, मुझे नहीं पूरे टीम को थी. और सभी मतलब एक्साइटेड हैं, बहुत ही एक्साइटेड हैं. आप लोग भी एक्साइटेड ऑफ कोर्स हैं क्योंकि आज से तो ये कम्प्लीटली आपका गाना हो जाएगा. बट यस, इट हैज़ बीन एन फैंटास्टिक जर्नी. एल्बम के सारे ऑडियो ख़त्म हो चुके हैं और पहला गाना जुदाइयाँ आज रिलीज़ हो रहा है. और ये मेरा एक रिटर्न गिफ्ट है आप सबके लिए एंड आई एम वेरी हैप्पी. फर्स्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा नर्वस तो हूँ ही, पर साथ साथ में बहुत खुश भी हूँ दैट मेरे बर्थडे के दिन आई एम रिलीजिंग अ सॉन्ग एंड ये यादगार रहेगा. ऑल द पीपल हु आर विशिंग मी अ बर्थडे, थैंक यू गाइज, थैंक यू, रियली मीन्स अ लॉट. अब लग रहा है कि मैं एक्चुअली बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा हूँ आप लोगों के साथ. सो बहुत सारी बातें करेंगे अबाउट द एल्बम, अबाउट द सॉन्ग. एक बार पहले भी लाइव आया था तब मैंने बताया था दैट बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है एल्बम फॉर एन आर्टिस्ट, यू एक्सेप्टेड. और बहुत ही मेहनत लगती है, नॉट ओनली द आर्टिस्ट बट द एंटायर टीम वर्क्स वेरी हार्ड. सो आई वुड लाइक टू, सबसे पहले आप सब जानते हैं मैं सबको थैंक यू बोलूंगा, जितने लोग डिजर्व करते हैं, जो लोग मेहनत करते हैं. नाम सिर्फ मेरा जाता है बट मैं सिर्फ मतलब मैं सबसे कम मेहनत करता हूँ ऐसा समझ लो. मेरे पीछे एंटायर टीम वर्क्स वेरी हार्ड. सो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल ऑफ देम. अगर कोई नाम मिस हो जाए, नहीं होगा वैसे तो, बट वुड लाइक टू थैंक एवरीबॉडी हु हैज वर्क्ड ऑन दिस एल्बम. आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ नौशाद भाई, रास्ते में अभी आ रहे हैं. आई वुड लाइक टू थैंक नौशाद भाई फॉर बिलीविंग इन मी. एंड मैंने एक दिन आई वॉज सिटिंग और मैं ऐसे सोच रहा था, मैंने काउंट किया यार मैं बहुत कम म्यूजिक कर रहा हूँ. और आप लोग हमेशा कहते थे मुझे कि यू वांट टू लिसन मोर म्यूजिक. सो मैंने काउंट किया कि अगर 3 गाने मैं कर रहा हूँ और हर साल 3-4 गाने ही कर रहा हूँ तो डाउन द लाइन आफ्टर 10 ईयर्स बहुत ही कम गाने मैं दे पाऊँगा आप लोगों को. सो आई वाज जस्ट थिंकिंग, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही थी एंड आई थॉट ऑफ डूइंग क्या, लेट मी डू एन एल्बम जो मैं बहुत सालों से वेट कर रहा हूँ. मुझे ये एल्बम करना है. एक्चुअली एल्बम इज़ अ बिग थिंग ऑल्सो फ्रॉम एन आर्टिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम लेबल पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल ऑफ सारी चीज़ें आप जो कहो. सो आई कॉल नौशाद भाई एंड सेड नौशाद भाई बात करनी है मुझे, आई वॉन्ट टू डू एन एल्बम. तो ही सेड एल्बम करना है तुम्हें. बोले एक मिनट रुक जाओ एंड आपको कॉल करता हूँ. सो उन्होंने कॉल कट किया इन विद इन 5 or 7 मिनट ही कॉल्स मी बैक एंड सेड कि ठीक है ज़बरदस्त एल्बम करिए. एंड दैट्स हाउ आई वॉज वेरी हैप्पी दैट डे. ऐसे आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी क्रिएटिव फ्रीडम एंड मैं उस स्पेस में हूँ जहाँ मुझे बहुत ज़्यादा क्रिएटिव फ्रीडम है टू क्रिएट व्हाट आई वांट टू, व्हाट आई लिव एंड व्हाट आई बिलीव इन. एंड दैट्स हाउ, जैसे ही नौशाद भाई ने कहा कि एल्बम शुरू करो, मेरा पहला कॉल अनमोल भाई को जाता है. मैंने कहा भाई एल्बम कर रहे, और तब आप शायद घर पे गए थे ना? मैं घर पे था. बोले भाई मैं जल्दी से आ रहा हूँ, घर पे गए थे कुछ दिनों के लिए तो मैं जल्दी से आ रहा हूँ और फिर बैठ जाते हैं. एंड ही केम बैक एंड वी स्टार्टेड जैमिंग एंड सारे गाने बन गए. और एक गाना था जो बहुत टाइम से मेरे पास था और वो गाना मैं कभी मेरे वॉइस में इमेजिन नहीं कर पा रहा था. आई ऑलवेज थॉट ऑफ श्रेया मैम सिंगिंग इट. तो मैंने ये भी नौशाद भाई को कहा कि मैं चाहता हूँ कि श्रेया मैम ये गाना गाए. एंड
वी गॉट इन टच विद हर, उनको गाना भेजा एंड उन्होंने रिवर्ट बैक किया, शी लव द सॉन्ग एंड शी सैंग इट एंड ट्रस्ट मी, वो सबसे खुशी का दिन था मेरे लिए जब मैंने मेरी जो कंपोजिशन है उसके ऊपर उनकी आवाज़ सुनी. मैं मेरा पार्ट स्किप कर करके उनका ही पार्ट सुनता था, लाइक इट वॉज अ फैन मोमेंट फॉर मी एंड वुड लाइक टू थैंक रश्मि विराग फॉर राइटिंग दिस सॉन्ग. वुड लाइक टू थैंक अनमोल भाई, एल्बम में मेरे दो प्यारे भाई हैं गौटी एंड गुग्स, गौतम शर्मा एंड गुरप्रीत सैनी, जिन्होंने और गाने लिखे हैं, बहुत ही कमाल लिखा है. एल्बम में एक चीज़ आप सबको ध्यान रखनी है, एक एक करके द सॉन्ग्स आर गोना बी आउट बट वी हैव वर्क रियली हार्ड ऑन द लिरिक्स पार्ट. बहुत मेहनत की है हमारे लिरिसिस्ट ने, सो एवरी वर्ड इज गोइंग टू बी स्पेशल, एवरी थिंग वॉट वी हैव ट्राई टू से इन द एल्बम इज वेरी स्पेशल. एंड बस अभी ज़्यादा मैंने ऐसा लगा सेल कर रहा है कि हाँ सुनो, आई नो यू गाइज हैव बीन ट्रेंडिंग एवरीवेयर. ऑल ऑफ माई क्लोज फ्रेंड्स आर टेलिंग मी कि यार तेरे फैंस बहुत ही कमाल है, बहुत ही अमेजिंग है. हर जगह दे आर टॉकिंग अबाउट. अरे वेलकम वेलकम गाइस, ऑल द बेस्ट, ये आया इनकी ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल सेट, बस रेडी हो जाओ सब लोग, बस चलो कंटिन्यू करो. या चलो जस्ट सेम एंड कमिंग बैक टू द वीडियो ऑफ जुदाइयां, आई वुड लाइक टू थैंक रितिका फॉर इतना अमेजिंग कैरेक्टर बनाने के लिए मेरा और सुरभीर का. मैं तो बहुत ही ज़्यादा एक उस विचार में था कि मेरे बाल छोटे बालों में अलग देखता हूँ, बट दे ऑल डिसाइडेड के लेट्स डू समथिंग डिफरेंट एंड गिव अ डिफरेंट कैरेक्टर जो आप थोड़ी देर में देखेंगे. एंड देन कम सुरभी. सुरभी हैज़ बीन वेरी स्वीट. आई हैड ए रियली रियली ग्रेट टाइम वर्किंग विथ हर. शी हैज़ बहुत ही मज़ा आया मुझे. वन ऑफ द स्वीटेस्ट पीपल आई नो एंड वी हैड ग्रेट टाइम. बहुत सारा हमने खाना खाया है, बातें की है अबाउट म्यूजिक, म्यूजिक सुना है, एल्बम फोर्सफुली मैंने पूरा एल्बम सुनाया है सुरभि को. सो थैंक यू सुरभि फॉर बींग पार्ट ऑफ आर फैमिली एंड बींग पार्ट ऑफ जुदाइयाँ. द टाइटल, इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल सॉन्ग एंड यू आर देयर एंड योर एंटायर फैंस हैव बीन देयर सपोर्टिंग बहुत सारे. बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मैं देखता रहता हूँ सोशल मीडिया पर कि श्रेया मैम के फैंस, सुरभि के फैंस, मेरे फैंस, सब मिलकर एक एल्बम के पीछे इतना एक्साइटमेंट है. जितना भी थैंक यू कहूँगा कम पड़ेगा. बट अगेन वुड लाइक टू थैंक एंटायर इंडी म्यूजिक टीम, डिजिटल टीम. आप सब देख ही रहे होगे कब से एक्साइटमेंट चालू है कि कॉन्टेस्ट हुआ था, वो कुछ हिंट्स दिए थे, वो तो मैं खुद क्रैक नहीं कर पाया था इतने डिफिकल्ट हिंट्स से. और हमने डिसाइड किया कि अब हम कॉफ़ी भी इंडी म्यूजिक के मग में पियेंगे, बाकी नहीं पियेंगे. ये शॉर्ट कमाल लग रहा है. अभी हम सब आप सब के लिए एक छोटा सा, वी हैव टू गेट द सुरभि आल्सो. तो जल्दी से लेट्स वी डूइंग दैट नाउ. यहां पर भी आ जाता हूं ना बाहर, लेट्स. यहां पर भी एक्साइटमेंट चालू है बहुत सा. मैं कल रात से, एक्चुअली कल इवनिंग से आई एम रीडिंग लॉट ऑफ कमेंट्स. सुरभि आई एम गेटिंग यू इन 5 मिनट्स लाइव में आ जाओ. अभी हम नहीं, ये उड़ाना नहीं है, वो कल उड़ा. चलो आ जाओ दर्शन भाई, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, आज का दिन बड़ा दिन है, हमारी लाखों शुभेच्छाएं. देवी कुमार हार्दिक से आए. हाय हाय. ये केक चोर इधर हैं, केक के पास ही मिलेंगे आपको और कहीं नहीं मिलेंगे. कल सोसाइटी में से कंप्लेन आया है कि, सुनिए तो सही, कल सोसाइटी में से कॉल आया कि पूरे बिल्डिंग की सारी केक खत्म हो गई है. हां भाई, सुपर. अबे चला आप केक कट कर दो. मैंने हैवी रिटर्न्स ऑफ द डे. सो भी है ऑनलाइन. आशीष
कैसे है इसमें ज्वाइन कैसे होता है व्यू रिक्वेस्ट मैनी हैवी रिटर्न्स ऑफ द डे नहीं रिक्वेस्ट आइए ना उसको लाइए ना थोड़ा गाइए Hi, birthday boy. Hi, hello, hello, hi. Happy how birthday. I'm good. How are you? देखो केक कट कर रहे हैं अभी. Yes, उसके बाद धमाल होगा 11 बजे. I'm very nervous. I'm very nervous. Namaste, uncle. Fine. और यहाँ पर. Hey, Naushad ji. Hello. We all are very nervous. जल्दी से केक काटते हैं. चलो, come on. इंडियन म्यूजिक प्रेजेंट्स टुडे इतना बड़ा पीस काटोगे तो आएंगे कैसे वाओ जुगल को पूरा खिलाओ सब लोग जुगल को खिलाओ बदान पर चलो हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे मम्मी की गिफ्ट है जुगल अरे मैं नहीं नहीं मेरी ऐसा नहीं हाथ क्यों लगा ऐसे देख के बड़ा पीस लो अरे तू हाथ क्यों लगा मैं अरे ऐसे नहीं यार बता गूगल का पूरा वीडियो कंपाइलेशन आकर 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 आ कमिंग बैक यस कहां पर है हाय सॉरी मुंह पे नहीं लगाया केक नहीं रात को बहुत ज्यादा लगाया है बहुत ज्यादा लगा नाइस नाइस आई एम गुड ओ यस एंड नर्वस एंड आई एम हैप्पी आल्सो मतलब बर्थडे आपका है और कितने सारे लोग खुश हैं इमेजिन एक्चुअली दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द With you, I want to first of all thank your Blue family who, you know, they've been so good to me. They've been welcoming me. And yeah, it feels so good. मैं पता है, I always think that बहुत lucky होते हैं वो artist जिनके जैसे मैं जितने passion से music बनाता हूँ और जितने दिल से music बनाता हूँ उतने ही दिल से और उतने ही passion से ये लोग सुनते हैं और मुझे करेक्ट यस यस आई हैव सीन दैट या या इट्स बीन ग्रेट दैट योर फैंस माय फैंस श्रीमंत फैंस सब मिलकर हर जगह दे आर ट्रेंडिंग एंड दे आर डूइंग ग्रेट या आई मीन ऐसा लगता है कि आप बस मेहनत करो आगे का पार्ट फैंस संभाल लेंगे लाइक दे हैव सो मच बिलीफ इन यू इन अस कि उनको लगता है दैट ओके समथिंग इज कमिंग अप इट हैज टू बी गुड एंड क्योंकि सी यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन यू आर अ ग्रेट सिंगर एंड ऑफ कोर्स द एंटायर टीम ऑफ इंडी म्यूजिक नौशाद जी एंड ऑफ कोर्स श्रेया मैम हैज यू नो शी इज सांग इट एंड ऋतिका ऑफ कोर्स आवर फेवरेट जिसने बहुत ही सुपरबली इसको डायरेक्ट किया इनफैक्ट मैं अपने जो भी कोई पूछ रहा था आई वाज टेलिंग दैट यू नो इट वाज वर्क कम पिकनिक ऐसा नहीं लग रहा था दैट यू नो वी आर वर्किंग और शूट है खत्म करना है इट वाज लाइक फन विथ यू आल्सो कि मुझे कभी ये ऐसा व्हेन वी आर शूटिंग आल्सो मुझे ये लगा ही नहीं कि मैं पहली बार मिल रहा हूं द इंटरेक्शन पहली बार काम लग रहा था जैसे नो सालों से एक दूसरे को जानते हैं दैट वाज आल्सो ग्रेट एक्चुअली दैट्स ग्रेट नो बस देखो अभी थोड़ी देर में आई नो मैं बार-बार ऐसा टाइम देख रही हूं और मुझे लग रहा है कि ओके लाइक आने वाला है गाना आने वाला है How are you feeling? Listen, it must be an amazing feeling for you. It's your birthday and album release हो रहा है गाने का. Birthday का तो मुझे शुरू हुआ क्योंकि ये सब केक और वो सब लाए उसके पहले birthday है ऐसा तो मैं सोच ही नहीं पा रहा था. ज़्यादा excitement is for the song because वो birthday का तो एक दो दिन से हो जाता है वो गाने का. You know that I was very nervous.
बट इस टाइम क्योंकि एल्बम का शुरुआत है और शुरू कर रहे हैं हम need everybody's love and blessing and so yeah now what's the but abhi jaise uske baad jaise khana bahar aa gaya ke baad mere se relaxed koi nahi hoga exactly jaise exams khatam ho gaye now sab aapke haathon mein hai logo ke haathon mein hai fans ke haathon mein result aa gaya exam de chuke the but actually Let me tell you guys, बहुत ही हमने उतना इजी भी नहीं था ये म्यूजिक वीडियो शूट करना बिकॉज कोरोना चालू ही है हम भूल नहीं सकते सो इन दैट सिचुएशन वी हैव शॉट एंड वी ट्राइड अप हम कुछ अमेजिंग कंटेंट बनाए आप सबके लिए एंड थैंक्स टू म्यूजिक एंड एंटायर रितिकास टीम आल्सो एवरीबॉडी वाज वेरी हार्ड वर्किंग बहुत मेहनत की हम लोगों ने बहुत मेहनत की It's a beautiful concept and everybody, of course, as Darshan ne beginning mein bhi bola, it's a teamwork. So we are lucky enough that we have like an amazing team on board. Aur pura shoot karte hue, shoot se pehle ki preparation and all, bahut genuinely bahut mehnat se gaana banaya hai. And I'm so lucky, Darshan. Thank you so much, you know, for making me a part of this video. I am already feeling so privileged. Your fans are amazing and yeah. Indie music ki puri team I'm in love with they feel like a family to me now and yes itni sari positivity hai that I'm now sure that this song is gonna rock that's amazing wow and there are like so many people wow thank you so much everybody and hello to everyone yes. itne sare dil and fire Wow, can't wait. Seriously, we also can't wait, guys. Dude, there's a comment for you. I'm reading a few comments. You can jaldi jaldi. Just my name, Subri and Darshan likha hai, but no problem. It's okay. I get the feelings. Subri bhi chalega. एक्साइटमेंट में लिखते हैं मैं मेरे से ज्यादा कोई मैं ट्विटर पर जब बात करता हूँ सबसे तो जल्दी जल्दी रिप्लाई करना होता है तो इतनी मिस्टेक होती है और जब मैं बाद में मुझे यार ये क्या लिख दिया मैंने यूजुअली व्हाट डू यू डू ऑन योर बर्थडे वैसे तो एक रात पहले से ही लास्ट ईयर आई वॉज परफॉर्मिंग इन कैलिकट तो लास्ट ईयर तो सीरीज ऑफ कॉन्सर्ट चालू ही थी तो दिल्ली में कैलिकट था तो उसके बीच में हमने पार्टी की और पर इस बार भी हम सोच रहे थे बट फिर हमने सोचा कि ये थोड़ा शांत होने देते हैं चीजों को लेट थिंग्स गेट बैक टू नॉर्मल उसके बाद बट दिस इज आल्सो एन अमेजिंग वे टू सेलिब्रेट योर बर्थडे लाइक ये तो मतलब कभी भूलेगा नहीं ये बर्थडे तो मेरे दोस्त आ गए हैं अहमदाबाद से यहाँ पर मेरे साथ ही हैं सो इट्स बीन ग्रेट दैट्स नाइस लव जुदाइयां लव सुरभि लव दर्शन We both love you too. We both love you more. Best wishes. एक तो ना मतलब लोगों को समझ में नहीं आ रहा कैसे happy birthday भी लिख रहे हैं फटाफट और फटाफट लिख रहे हैं all the best also. It's gonna rock. So it's like you know they have so many things to wish. तो excitement. मैं लिखने आऊँ तो मेरा भी यही हाल होगा. Yours. Wow. See the blue heart. ये जो no family का empire है ना that's very impressive. कमाल है कैसे बट ऐसे बट दे ऑल आर स्वीट वेरी स्वीट पीपल मेरे तो समझ के बाहर है कि कैसे ये सब हुआ आई ऑलवेज फील इट्स मैजिकल एंड करेक्ट इट गिव्स यू यू नो बहुत स्ट्रेंथ फील होती है ऐसा लगता है कि इतने लोग जुड़े हुए हैं आप और ज्यादा पावरफुल फील करते हैं यू फील यू नो सो मच स्ट्रॉन्गर इवन इफ देर इज वन पर्सन विथ ऑल द हार्ट तो आपको इतनी स्ट्रेंथ फील होती है तो लाखों लोग हैं जो पूरे दिल से मेरे साथ हैं एंड ऑफ कोर्स विथ यू एज वेल सो आई थिंक वी हैव टू हैव देम एंड एब्सोल्युटली मतलब इट्स लाइक एन आर्मी आई हैव ऑलवेज बिलीव दैट ओ माय गॉड आप इतना करते हैं और इतनी सपोर्ट मिलती है दैट गिव्स यू एनकरेजमेंट आल्सो दैट गिव्स यू स्ट्रेंथ आल्सो सो दैट्स हाउ यू grow as a person yeah of course sense of no, shall we saying sense of responsibility also that's always there that's true Naushad bhai like he is just so amazing thank you so much Naushad ji for like you know having me in indie music yeah, and sure. in this album it's a great song you all have done great job and I'm sure everyone will love it
Yes, I'm sure. मुझे तो वैसे इतनी nervousness हो रही है that you know the part where you know the female part is sung by Shreya ma'am. It's like oh my god. It's like wow. Like can it get better? No. आप सबको जितने भी लोग देख रहे हैं श्रेया मैम का पार्ट you guys are going to love it and thank is watching somewhere या कभी भी कहीं पर भी देखे मैं आपको थैंक यू कहना चाहूंगा आज बिकॉज ऑफ यू मुझे नॉट एज अ सिंगर बट एज अ कंपोजर आई फील वेरी हैप्पी टुडे आज मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एज अ कंपोजर एक स्टेप और लिया है एंड दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू ऑलवेज दिस सॉन्ग इज गोइंग टू बी स्पेशल फॉर मी एज अ कंपोजर इट इज बिकॉज ऑफ यू श्रेया मैम एंड आई वुड लाइक टू थैंक वंस अगेन जितनी बार थैंक यू बोलूं कहां है बट थैंक यू फॉर सिंगिंग दिस सॉन्ग एंड मैं पता जिस दिन उन्होंने गा के भेजा तो मैं आई वॉज जस्ट लिसनिंग टू हर वॉइस बिकॉज क्या होता है आपकी कंपोजिशन जब होती है जब कोई दूसरा गाता है और वो बहुत ही आपने एक्सपेक्ट किया उससे हजार गुना ज्यादा अच्छा गाता है तो करेक्ट एंड एज एन एक्टर आल्सो यू नो यू आर परफॉर्मिंग और वो आपका पार्ट श्रेया मैम ने गाया है आपको ऐसा लगता है कि अपनी बेस्ट एक्टिंग कर रही है यहाँ पर तो बिकॉज यू नो श्रेया मैम की आवाज है अलग होता है ना कि मैं ही गा रहा हूँ यहाँ पर YouTube पर हंगामा है तो देयर इज दिस लाइव व्हिच इज गोइंग ऑन एंड ऑलरेडी मैं तो कल रात से कमेंट्स पढ़ रहा हूँ हाँ मैं भी एंड पीपल आर लाइक हमसे ज्यादा इंतजार है उन्हें इस गाने का एंड दैट्स हाउ इट शुड बी एक सीक्रेट अकाउंट है जिससे मैं बहुत सारे लाइक करता हूँ जो किसी को पता नहीं है वो मेरा है बट आई एम लिटरली reading the comments and because I get very excited reading all the comments and how they are excited so sweet ye bata bhi rahe ho that I have a secret account ha yeah ek hi jagah hai main jahan thoda chup ke aa sakta hu and sense of wo sense rehta hai ki I am right there in between with everybody halanki aise not officially nahi hota hu but main hota hu to mujhe bhi acha ke sath hi hu main For all the love, seriously, I promise you, you guys are gonna love this song. Thank you, everybody. Jaldi se ab aap sab YouTube par aa jaiye, indie music label par aaiye. Wahan par already premiere laga hua hai. Aur jaise gaana aata hai, aapke जो भी आपको जैसा भी लगता है comment करके बताओ. Because I am going to be there. आज तो पूरा दिन मैं comments read करने वाला. I am going to be there and yes. Keep commenting and keep sharing it with all. Thank you for joining the live. Thank you, Surbhi. Thank you, Darshan. Happy birthday once again and all the best. Thank you. ठीक है मिलते हैं YouTube पर जल्दी से. I'm going to call you, Surbhi, for the release. Yes. चलो see you guys, everybody, all the people. Let's go to YouTube and watch it. पहला एल्बम का गाना आप सबके लिए आ रहा है. Bye bye. कम दो ही मिनट बाकी रहे. लगा दो बाहर प्रीमियर.